मैं अभिषेक बिहारी न्यूज से और आज हम आपको बताने वाले हैं कि पटना पायरेट्स का पटना में मैच कब होगा और वो मैच कहां खेला जाएगा। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पाटलिपुत्र स्टेडियम पटना के कंकड़बाग में एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है। प्रथम महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप यह अपने उद्घाटन वर्ष में आयोजित की गई थी जिसमें 16 देशों ने भाग लिया था। इसने प्रो कबड्डी लीग के 7 लीग मैचों को अपने घरेलू टीम के साथ पटना पायरेट्स के साथ 2014 में 7 से 10 अगस्त तक आयोजित किया था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन 1 मार्च 2012 को भारत में पहली महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप के उद्घाटन के साथ हुआ था। ये एक भव्य समारोह था जिसमें दुनिया भर के 16 टीमों ने भाग लिया था। मार्च में अखिल भारतीय महासंघ कप कुश्ती टूर्नामेंट 2012, 31 राष्ट्रीय टाइक्वांडो चैंपियनशिप भी दिसंबर 2012 में इस खेल परिसर में आयोजित की गई थी। 17वें अखिल भारतीय डाक कैरम टूर्नामेंट का भी हाल ही में परिसर के इंदौर स्टेडियम में समापन हुआ है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और युवा कल्याण और खेल निर्देशालय परिसर के मालिक हैं और डिफॉल्ट रूप से यहां आयोजित सभी खेल गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में अनुमानित कुल लागत 19.98 करोड़ आकी गई है। ये रही पटना के आयोजित होने वाली प्रो कबड्डी लीग का स्केड्यूल। 3 अगस्त को पटना पायरेट्स का मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर से होगा और बंगाल वॉरियर्स का मुकाबला बेंगलुरु बुल से। 4 अगस्त को हरियाणा स्टीलर्स तमिल थलाइवा से लड़ेंगे और पटना पायरेट्स पुनेरी पल्टन से। 5 अगस्त को दबंग दिल्ली का मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर से और गुजरात फॉर्चून जायंट्स का पुनेरी पल्टन से। 7 अगस्त को यूपी योद्धा का मुकाबला तमिल थलाइवा से होगा और पटना पायरेट्स का हरियाणा स्टीलर से। 8 अगस्त को तेलुगु टाइटंस का मुकाबला बेंगलुरु बुल से होगा। 9 अगस्त को बंगाल वॉरियर्स का यू मुंबा से और पटना पायरेट्स का यूपी योद्धा से। तो ये था वो स्केड्यूल जो पटना में पटना पायरेट्स का मैच खेला जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप हमारे Facebook पेज पे देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।